Galit. Loko ha, loko. Ha, para ba? Oslo, फातिमा देवी इंग्लिश हाई स्कूल मलाड़ की ओर से आज सरकार के आदेश अनुसार महात्मा गांधी जी की 150वीं जन्म जयंती के अवसर पर आज ये कार्यक्रम रखा गया है। बड़ा सही कार्यक्रम है, स्वच्छ भारत का निर्माण करना है और गांधी जी के मूल्यों को आज विश्व के सामने हमें ले जाना है। सत्य, अहिंसा, प्रेम, जो अद्भुत की भावना लोगों में टूटती चली जा रही है, उनके हमें उजागर करना है। स्वच्छता और गांधी जी का राजकरण न करते हुए हम केवल समाज और देश की और भी देखें, सभी धर्म जाति के लोगों को जोड़ना है। देश सुरक्षित तब होगा जब हम एक रहेंगे। आज इसी भावना को लेकर आज विद्यालय के 200 बच्चे पूरे मलाड़ में इस रैली के आयोजन से जुड़े हुए हैं, जिसमें हमारे साथ शिक्षक भाई बहन और उनके माता पिताओं का विद्यार्थियों के साथ सहयोग मिला है। आज मलाड़ से हमने ये रैली शुरू की, विद्यालय से शुरू होते हुए मंशुभाई मार्ग से दत्त मंदिर रोड, वहाँ से होके खांडवाला लेन, सुभाष मार्ग, गोल गार्डन, पोद्दार पार्क, वहाँ से होते हुए फिर सुभाष रोड से स्टेशन मार्ग से होते हुए पूरे मलाड़ से घूमकर हम विद्यालय की ओर आए हैं। बच्चों में एक प्रसन्नता रही है और एक शिक्षक के रूप से मैं कहना चाहूँगा कि बच्चों में एक अच्छे चरित्र का निर्माण करना है। आने वाले भविष्य के लिए, एक देश को उज्ज्वल बनाने के लिए वह कुछ महान राष्ट्रों का कर्तव्य, उनका समर्पण और त्याग और बलिदान की महिमा को जाने और उस मूल्यों के साथ वह भी एक नए मंच पर आए और देश की आज ज़रूरत है उस अभियान से जुड़े और यही माध्यम के द्वारा सभी को इस कार्यक्रम से जोड़ना सरकारी आदेश का पालन करना चाहिए। आज हमने देखा कि कई विद्यालय और कई महाविद्यालयों में एक कार्यक्रम आदेश होने के बाद भी नहीं हो रहा है। शासन से मेरा यह अनुरोध है कि ऐसी छुट्टियों को रद्द की जाए कि जब राष्ट्रपुरुष की जयंती मनाई जाती है उस समय समाज और देश कुछ कार्य से जुड़े, उनके त्याग और समर्पण बलिदान की बातों को लोग याद करें। इसलिए ऐसी छुट्टियों को न देते हुए विशेष कार्यक्रम का आयोजन करना चाहिए और लोगों को उसे जोड़ने का माध्यम बनाना चाहिए। यही मेरा एक संदेश है। आइए नव निर्माण के राष्ट्र के कार्य में हम सब जुड़ जाए, देश महान बनाएं और सभी को इनका स्वाभिमान और अभिमान होना चाहिए। बापू को, महात्मा गांधी जी और आज जो महानुभाव हमारे साथ, महान व्यक्ति देश की रही लाल बहादुर शास्त्री जी, उनके भी जन्म जयंती है। शासन को ये भी होना चाहिए था कि उनके परिपत्रक में लाल बहादुर शास्त्री जी की जन्म जयंती को उसे भी सम्मानित करने का दो शब्द का आदेश देना चाहिए था। केवल गांधी जी और उनकी जन्म जयंती, लेकिन उनके साथ साथ हमारे शास्त्री जी को भी नहीं भूलना चाहिए था। उनके साथ हमारी ये अभियान रैली में शास्त्री जी की बातों को भी जोड़ी गई हैं और शास्त्री जी के चित्र के साथ जय जवान जय किसान के नारा को भी हमने सबके सामने लाने का प्रयास किया है कि राष्ट्र के महान विभूति, राष्ट्र के महान निस्वार्थ सेवा वाले संत जो हुए हैं हमारे, वह महापुरुषों को मैं आज विनम्र आदरांजलि दे रहा हूँ। और सभी से मेरी अपील है कि आइए देश की एकता और नव निर्माण के समाज को जोड़ने के कार्य में जुड़ जाए, जहाँ प्रेम और एकता का संदेश हो, धर्म का राजकारण न हो, देश के आरक्षण के नाम बंटवारा न हो और केवल हम अपने राष्ट्र की सुरक्षा के लिए आगे आए। और जब वक्त आ रहा है,
आतंकवाद जैसी चुनौतियों का, उसे हम बापू के प्रेम के संदेश को साथ में लेकर के उसमें भी उसके मन को परिवर्तित करना चाहते हैं, उन तक वो संदेश पहुंचाना चाहते हैं कि आइए अहिंसा परम धर्म उस बात को लेकर चले, सत्य और अहिंसा के रास्ते पर चले, विश्व बंधुत्व की भावना चाहे और आतंकवाद को हम मिटाने के लिए।